हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको कल जो कि बुद्धि के मापन के बारे में यानी कि टेस्ट के बारे में बताया था, इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में, जो कि बिनेट साइमन टेस्ट जो कि सबसे पहले किया गया था, स्टैनफोर्ड टेस्ट उसके बारे में भी बताया था, यानी कि जहाँ से आपके 5 से 7 नंबर सिक्योर होते हैं अगर आपने ये पूरा का पूरा बुद्धि के मापन वाले चैप्टर को कर लिया। तो एक पार्ट मैंने आपको कल करवाया था और एक पार्ट मैं आपको आज करवा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बोला था ये दोनों के दोनों खत्म होने के बाद आपके 5 से 7 नंबर सिक्योर हो जाते हैं। यहां पर से जरूर क्वेश्चंस आपके हर बार पूछे जाते हैं और पूरा चैप्टर होने के बाद मैं आपको 30 से 32 क्वेश्चन का एक सीरीज दूंगा, जहां से आप क्वेश्चनों को लगाकर यह पहचान पाओगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट बात करेंगे, बुद्धि मापन के प्रकार। बिल्कुल आसानी तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, जहां से पेपर में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना आप टॉपिक लिख लीजिए, क्या है हमारा, बुद्धि मापन के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया था, शुरुआत कहाँ से हुई थी, बिनेट साइमन टेस्ट से। ओके, तो बुद्धि मापन के प्रकार की बात करी जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला व्यक्तिगत बुद्धि मापन और दूसरा सामूहिक बुद्धि मापन, जिसे आप इंडिविजुअल इंटेलिजेंट मेजरमेंट भी कहते हो और आप इसको सामूहिक बुद्धि मापन को ग्रुप इंटेलिजेंट मेजरमेंट भी कहते हो। ओके, ये 2 पार्टों में बांटा गया है, इन्हीं 2 में आपके कुछ और पार्टों को शामिल किया गया है। मेन प्रोबेबली इन 2 भागों के बारे में ही पूरी की पूरी चर्चा की गई है। जैसे कि एक एक करके दोनों की बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि मापन की बात करी जाए तो ये आपके मौखिक होते हैं, जबकि सामूहिक जो होते हैं वो लिखित होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जब हम किसी चीज़ का इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे क्या होता है, वार्तालाप होती है, बात करी जाती है, मौखिक रूप में की जाती है। वो कैसा होता है, एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत होता क्या है, इंडिविजुअल, मतलब 1-on-1, फेस टू फेस एक एक व्यक्ति से बात करना इंडिविजुअल कहलाता है, व्यक्तिगत कहलाता है। इसलिए आपका जो व्यक्तिगत बुद्धि मापन होता है वो कैसे किया जाता है, एक 1-on-1 पर्सन से किया जाता है, आमने सामने बैठकर किया जाता है, इंटरव्यू के द्वारा या वावा के द्वारा या क्वेश्चन आंसर के द्वारा कैसे भी किया जा सकता है, लेकिन मौखिक होता है, बातचीत होती है उसके बीच में। लेकिन जो सामूहिक होता है उसमें क्या होता है, सारी की सारी चीजें लिखित होती है, मतलब सारी चीजें लिखकर आपको बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो अभी अब तक परीक्षाएं दी हैं वो कैसे होते हैं, पूरी की पूरी क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 15 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, 20 बच्चे होते हैं, सब आपस में वहाँ पर पूरे के पूरे क्लास में बैठे रहते हैं और आपस में लिखते रहते हैं अपने, यानी कि जो उनका पेपर होता है वो लिखते रहते हैं। तो कैसा होता है सामूहिक परीक्षण, लिखित होता है। ओके, व्यक्तिगत परीक्षण की बात करी जाए तो इसमें कोई भी समय सीमा नहीं होती। देखा होगा आपने, जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो, वाइवा होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, या किसी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो जब उसका सजेशन लेने, तो उसमें कोई टाइम फिक्स होता है नहीं। वहां पर आपका क्वेश्चन आंसर, आपका इंटरव्यू कब तक चलेगा वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूछना क्या चाहता है। ओके, तो इसमें कोई भी आपकी समय सीमा नहीं होती। लेकिन वहीं पर ही सामूहिक की बात करी जाए तो इसमें आपकी समय सीमा होती है। जैसे कि आप पेपर देते हो तो पेपर आपका समय होता है, 1.5 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जितने भी घंटे का वो पेपर है उसमें समय सीमा होती है। इसलिए व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण होता है इसमें आपका समय जो होता है वो अधिक खर्च होता है, अधिक लगता है। लेकिन सामूहिक की बात करी जाए तो इसमें समय की बचत होती है। ओके, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। वहीं व्यक्तिगत की बात करी जाए तो ये केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है जिस फील्ड के लिए आपका इंटरव्यू वाइवा या क्वेश्चन आंसरिंग हो रहा है, उस फील्ड में आपका वो जो व्यक्ति ले रहा होगा वो एक्सपर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी अच्छी तरह से आती है, मैं सारी चीज़ें उसकी समझता हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। वैसे मैं आपको किसी और बच्चे को बिठा दूँ, फॉर एग्जांपल साइंस के किसी बच्चे को बिठा दूँ, तो वो साइंस की चीज़ें जानता है, साइकोलॉजी का टर्म नहीं जानता, तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ जो टेस्ट लिए जाते हैं वो ऐसे व्यक्ति से लिए जाते हैं जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। वहीं पर ही सामूहिक की बात करी जाए तो इसमें शिक्षित व्यक्ति के साथ साथ सामान्य कोई भी व्यक्ति ले सकता है। जैसे कि आपके जो क्लास में टेस्ट होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे टीचर भी आ जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, यानी कि उनको कॉन्ट्रैक्ट के दिन के 700-900 रुपये देकर वो टेस्ट करवाने के लिए बोला जाता है। भले वो चीज़ के वो एक्सपर्ट ना हो, उनको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है, उनका काम केवल ये है कि बच्चे सही से परीक्षा दें, कोई किसी की चीटिंग ना करें, सही समय पर सही चीज़ बच्चों को मिल सके। इसलिए जो सामूहिक बुद्धि मापन होता है वो प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ साथ कोई सामान्य व्यक्ति होगा वो भी कर सकता है।
अगर व्यक्तिगत बुद्धिमापन की बात करी जाए तो ये अधिक विश्वसनीय है, मतलब इससे जो आपको डाटा मिलता है, जो व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो वो बिल्कुल सटीक डाटा मिलता है। जैसे आप इंटरव्यू के द्वारा आप जानना चाहते हो तो वही जानोगे जो व्यक्ति करता है, तो बिल्कुल सटीक डाटा मिलेगा। वाइवा से भी सटीक डाटा मिलता है, क्वेश्चन आंसर करोगे वहाँ से भी बच्चे के लिए सही जानकारी आपको मिलती है। लेकिन सामूहिक में ये जो होता है वो कम विश्वसनीय होता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा टेस्ट कैसा हुआ है, ग्रुप में हुआ है। अब ग्रुप में जो टेस्ट हुआ था आप कह नहीं सकते कि आपने अपने पूरे के पूरे थॉट्स वहाँ लिखे हैं या किसी के नकल मारे हैं, इसलिए ये जो आपका डाटा होता है वो कम विश्वसनीय होता है। क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से यही पूछा गया था कि व्यक्तिगत बुद्धिमापन या सामूहिक बुद्धिमापन में से कौन सा बुद्धिमापन अधिक विश्वसनीय होता है, तो व्यक्तिगत बुद्धिमापन जो होता है वो अधिक विश्वसनीय होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया, ये ध्यान रखिएगा मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया व्यक्तिगत मौखिक होता है, समय सीमा नहीं होती है, समय अधिक लगता है, प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है और अधिक विश्वसनीय होता है। वहीं सामूहिक की बात करी जाए तो ये लिखित होता है, इसमें समय सीमा होती है, समय की बचत होती है, शिक्षित और सामान्य व्यक्ति दोनों के द्वारा लिया जा सकता है, लेकिन ये इसके जो डाटा मिलते हैं वो कम विश्वसनीय होते हैं। ओके, तो ये जो आपका बुद्धि का मापन था इन्हीं दोनों फील्ड के आसपास सारी चीजें घूमेंगी। जैसे कि आगे चल के व्यक्तिगत परीक्षण जो था उसको दो भागों में बांट दिया गया, किस किस में, शाब्दिक यानी कि फॉर्मल में, अशाब्दिक यानी कि इनफॉर्मल में, और जो सामूहिक परीक्षण था उसको भी दो में बांट दिया गया, वही सेम शाब्दिक और अशाब्दिक, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो पहले मैं आपको इन चारों के बारे में, यानी कि पहले शाब्दिक अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण के बारे में बात करेंगे, फिर शाब्दिक अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण के बारे में बात करेंगे। ओके, तो बुद्धि परीक्षण के जो उदाहरण होते हैं, यानी कि जो एग्जांपल्स होते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि ये वाला परीक्षण कौन से किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा पहले हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट था शाब्दिक। तो मैंने आपको बोला था व्यक्तिगत परीक्षण के अंदर दो भाग हैं, एक फॉर्मल इनफॉर्मल, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो व्यक्तिगत में हम पहले शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करेंगे। ओके, तो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण जो होता है उसमें आपकी जो सारे के सारे तीन टेस्ट है, जो कि मैंने आपको तीनों टेस्ट करवाए थे, पहला बिनेट साइमन टेस्ट 1905, 1908, 1911, तीनों के तीनों, स्टेनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो कि 1916 में बनाया गया था, और आपका उसी के साथ एक और टेस्ट होता है बर्ट रीजनिंग टेस्ट। देखो यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखना, मेन टेस्ट मैंने आपको करवा दिए, यहाँ पर जो मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ ना केवल उसको ध्यान रखिएगा कि कौन किसके अंदर आता है। ओके, तो ये बर्ट रीजनिंग टेस्ट था, ये मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए था, बच्चे को कंफ्यूज करके, जैसे कि आपने की रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी प्रकार का ये टेस्ट था। तो ये तीनों के तीनों टेस्ट जो आते हैं वो शाब्दिक के अंदर आते हैं, और शाब्दिक क्या होता है, वर्बल होता है आपके सारे के सारे टेस्ट। ओके, सेकेंड बात करी जाए व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब ये जो सारे के सारे परीक्षण थे वो अशाब्दिक होते थे, मतलब नॉन वर्बल होते थे, यानी कि इनमें करके दिखाना होती थी सारी चीज़ें। इनके अंदर आपके ये पांच इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, पहला अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, भाटिया बैटरी टेस्ट और गुड इनफ ड्रोएव मैन टेस्ट। देख सकते हो ये सारे के सारे टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं जिनको लिखकर या करके दिखाना होता है। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो थे वो व्यक्तिगत अशाब्दिक यानी कि आपके इंडिविजुअल नॉन वर्बल के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा इसमें से जो कि तीन, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट और भाटिया बैटरी टेस्ट। भाटिया बैटरी टेस्ट से तो काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण में से सही को चुनिए, तो वहां पर तीन आपको गलत होंगे और भाटिया बैटरी जो होगा वो सही होगा, तो उनमें से आपको एक चुनना होगा। तो ध्यान रखिएगा ये पांचों के पांचों जो टेस्ट है वो आपके व्यक्तिगत अशाब्दिक यानी कि इंडिविजुअल नॉन वर्बल के अंदर आते हैं। ओके, तो ये था आपका पहला टेस्ट जो कि व्यक्तिगत शाब्दिक और अशाब्दिक दो भागों में बांटा गया था व्यक्तिगत को, उन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। वहीं पर ही जाकर कुछ समय बाद एक साइकोलॉजिस्ट सामने आए, डी वेस्लर, उन्होंने कुछ अपना टेस्ट बनाया और उस टेस्ट का नाम रखा उन्होंने डी वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट। अब ये था क्या, तो ध्यान रखिएगा वेस्लर के व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण को मिलाकर अपना ही एक परीक्षण बनाया इन्होंने और नाम रखा उसका डी वेस्लर टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कई सारे टेस्ट जो थे वो शाब्दिक और अशाब्दिक कैटेगरी में बांटकर उसके अंदर फिक्स कर दिया गया था, लेकिन डी वेस्लर जो थे वो कुछ अलग कर रहे थे, उन्होंने जो कहा वो आपके शाब्दिक और अशाब्दिक में उन्होंने अपने
टेस्टों को ना मानकर उन्होंने दोनों को मिक्स करके अपने ही तीन प्रकार के टेस्ट उन्होंने निकाले अलग अलग स्टेज के व्यक्तियों के लिए। तो पहला परीक्षण जो था वो था आपका WAIS जो कि 1939 में बनाया गया था। डायरेक्टली आपको WAIS दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो ध्यान रखिएगा WAIS की फुल फॉर्म जो थी वो वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल थी। ध्यान रखिएगा मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सेम करके पूछ लिया जाता है। तो WAIS की फुल फॉर्म है आपकी वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आपका इसने 1939 में दिया था और ये एडल्टों के लिए बनाया गया था, मतलब 6 से लेकर 64 वर्ष के जो व्यक्ति थे उनके लिए ये टेस्ट बनाया गया था। ओके, और वहीं पर ही फिर आपके जब वेसलर को थोड़ा सा संभावित हुआ, कुछ लोगों के द्वारा सुझाव दिए गए, तो उसको ऐसा लगा कि बाकी बच्चों की भी ज़रूरत है, उनके लिए कोई ना कोई टेस्ट बनाना चाहिए। तो उन्होंने फिर 10 साल बाद एक और टेस्ट बनाया जो कि नाम रखा उसका WISC, जो कि कब बनाया, 1949 में बनाया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ये जो था वो चिल्ड्रन बालकों के लिए था, जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते थे उनके लिए टेस्ट बनाया गया था। ओके, फिर कुछ समय बाद इन्होंने एक तीसरा टेस्ट बनाया जिसका नाम रखा WPSI। ये था और जो कि बनाया गया था 1967 यानी कि 1967 में, जिसकी फुल फॉर्म थी वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जो कि जन्म से लेकर 6 वर्ष, यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हुआ करते थे उनके लिए टेस्ट बनाया था। तो शाब्दिक और अशाब्दिक यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल को मिलाकर वेस्लर ने ये तीन इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए थे। तीनों में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला टेस्ट कब बनाया था, तो ध्यान रखिएगा 1939 यानी कि 1939 में बनाया था। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो तीनों की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से एज ग्रुप के लिए कौन सा है, यानी कि 6 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा टेस्ट बनाया गया था वेस्लर के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ फॉर चिल्ड्रन जो बनाया गया था वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था। देखो शाब्दिक यानी कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल की बात हो गई, चलिए अब बात कर लेते हैं सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की, क्योंकि सामूहिक को भी दो भागों में बांटा गया था, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो पहले बात कर लेते हैं हम सामूहिक शाब्दिक यानी कि वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 5 टेस्ट है, 5 के 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला आर्मी अल्फा टेस्ट, ध्यान रखिएगा आर्मी अल्फा टेस्ट, ये आपका टेस्ट जो बनाया गया था वो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देता था और जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। ओके, आर्मी अल्फा टेस्ट, प्रयाग मेहता टेस्ट, आरके टेस्ट, MS मौसनी टेस्ट और MC जोशी टेस्ट, ध्यान रखिएगा। और ये जो आरके टंडन टेस्ट है उसको आरके टंडन टेस्ट भी कहा जाता है, जो कि क्वेश्चन आपका वहीं से पूछा जाता है कि प्रयाग मेहता टेस्ट या फिर आर के टंडन टेस्ट किसके अंतर्गत आते हैं। तो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत ये आते हैं। ओके, और वहीं पर ही सेकंड की बात करी जाए सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ये तीन आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी और भी हैं जैसे कि नाम मैं अभी आपको बता दूंगा, ध्यान रखने हो तो रख सकते हो। जैसे कि पहला आर्फी बीटा टेस्ट, देखिए ध्यान रखिएगा, पहला आर्मी अल्फा टेस्ट जो था वो शाब्दिक में था यानी कि वर्बल में था, और आर्मी बीटा टेस्ट जो है वो आपका नॉन वर्बल में है। ओके, और ये जो बनाया गया था वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट, जो ये आपकी रेवन थी जिनका नाम पूरा था रेवन बी कैटल, उनके द्वारा ये रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट और कल्चर फ्री टेस्ट ये दोनों के दोनों बनाए गए थे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण के उदाहरण में से सही को चुनिए, तो वहाँ पर ये जो तीनों के तीनों टेस्ट हैं वो आपके क्या है, कल्चर फ्री टेस्ट इनको कहा जाता है। ओके, और इसके साथ साथ में अगर ध्यान रखना चाहते हो तो चिकागो नॉन वर्बल टेस्ट और आपका नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस जिसको CIE भी कहा जाता है, उनको भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है कई बार पूछा जा चुका है कि कल्चर फ्री टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया था, तो RB कैटल या रेवन बी कैटल के द्वारा ये बनाया गया था। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कल्चर फ्री टेस्ट में से निम्नलिखित उदाहरणों में से सही उदाहरण को चुनिए, या फिर आपको वहाँ पर 3 सही दे देगा और 1 गलत देगा और पूछेगा आपसे कि गलत को चुनिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों के तीनों परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट और कल्चर फ्री टेस्ट, तीनों के तीनों सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण यानी कि कल्चर फ्री टेस्ट के अंतर्गत
आते हैं और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा बुद्धि के मापन का पूरा चैप्टर, दो पार्ट में मैंने आपको खत्म करवा दिया। अब नेक्स्ट यानी कि कल आपको इंपॉर्टेंट 30-40 क्वेश्चंस देने की कोशिश करूंगा और आपको जल्दी से जल्दी साइकोलॉजी खत्म कर देंगे हम। अब ज्यादा नहीं, आपके दो टॉपिक बचे हैं, लेकिन उन दो टॉपिक में काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि आपके कल आपका जो कल के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पर्सनैलिटी स्टार्ट करेंगे यानी कि व्यक्तित्व स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो। कल आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं वो 30-40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको जरूर लगा के देखिएगा। ओके, और कई बच्चे कहते हैं कि सर आपके वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, कमेंट में जाइए, कमेंट का पहला कमेंट ही देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। कभी भी आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वहां से जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं वहां पर सारी की सारी चीजें शेयर कर देता हूं। ओके, तो ये था आज का अपना पूरा का पूरा वीडियो, कल आपको इसकी वीडियो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी के मैसेज को जरूर रीड आउट करता हूँ। और उसी के साथ साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।